होते हैं। बड़ी घटना है जिसमें जान और माल की हानि होती है। आपदा वाले क्षेत्र को इस डिजास्टर से उभारने के लिए भारी सहायता की जरूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश का उत्तरी भाग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। संपूर्ण उत्तर भारत अर्थक्वेक जोन 4 और 5 में आता है, जहाँ समय समय पर भूकंप के झटके आते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर भूकंप से प्रभावित रहा है। भविष्य में भी यहाँ बड़े पैमाने पर भूकंप आने की संभावना है। भूकंप से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक गतिविधियां और तैयारियां की जा रही हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए बचाव कार्य एवं राहत प्रदान करती है। भारत भूकंप के झटकों से दहल गया है। भूकंप की तीव्रता से ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण कई लोग क्राउन स्ट्रक्चर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य एजेंसी महोदय रिस्पॉन्स फोर्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंचकर टीम खराब करते हैं, देखें, और बिल्डिंग का क्लॉज पैटर्न और विक स्केच बनाता है और पॉसिबल हैजर्ड चेक करता है। देखें, अभी आप अपनी नजर घटना स्थल की तरफ ले जाएं, आपको रेस्क्यू द्वारा यूटिलिटी कट करते नजर आएंगे। साहिबान, आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन द्वारा यूटिलिटी कट मिट्टी के लिए यूटिलिटी कट किया जाता है, ताकि क्लॉप स्ट्रक्चर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइन, गैस पाइप लाइन या वाटर सप्लाई लाइन हो। साहिबान, यूटिलिटी कट हो जाने के बाद टीम कमांडर सीन स्क्वेयर की कार्रवाई करवाता है। इसी दौरान सेफ्टी ऑफिसर प्रत्येक रेस्क्यूर का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चेक करते हैं। इक्विपमेंट चेक हो जाने के बाद ही रेस्क्यूर को वर्क साइट में भेजने ना कर सके, जिससे रेस्क्यू कार्य करने में दिक्कत हो। सीन स्क्वेयर पार्टी के पास सामान जरूरत के मुताबिक सीन कोन और सीन टेप होता है। साहिबान, जो विक्टिम चलकर आ सकते हैं उन्हें मेडिकल बेस पर बुलाया जाता है, जो विक्टिम चलकर नहीं आ सकते उन्हें ट्रायल्स किया जाता है। अभी आपको रेस्क्यूअर द्वारा विक्टिम्स को ट्रायल्स करते हुए नजर आएंगे। इसी दौरान बिल्डिंग में आग लग जाने पर किस प्रकार से फायर एंड सर्विस की टीम आग पर साइबान डिजास्टर के दौरान बिल्डिंग के अंदर आग लग जाने पर आग पर काबू पाने के लिए फायर एंड सर्विसेज की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है, जो जल्दी से जल्दी आग पर काबू पा लेंगे। इसका मतलब विक्टिम की इंजरी के मुताबिक प्रायोरिटी दी जाती है। जिन्हें ज्यादा इंजरी हुई हो, ऐसे विक्टिम को रेड रिबन से टैग किया जाता है। इसी प्रकार जिस विक्टिम को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज ना हो या हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा समय रह सकता है, ऐसे विक्टिम को येलो रिबन टैग किया जाता है। और जिस विक्टिम को मेडिकल बेस पर रेस्क्यू द्वारा प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप देख रहे हैं।
दूसरे विक्टिम जिनके नी में फ्रैक्चर हो गया है उन्हें टू मेन हैंड के तरीके से मूव किया जा रहा है। अंत में विक्टिम जिनके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट उन्हें 1:2 क्रश के तरीके से मेडिकल बेस तक ले जाया जा रहा है। साइबान प्लॉस बिल्डिंग से निकाले गए सभी विक्टिम्स को मेडिकल आएंगे। सबसे दाएं वाले विक्टिम जिनकी आंख में कोई ऑब्जेक्ट घुस जाने के कारण उनकी आंख बाहर निकल गई है, आंख बाहर निकलने पर आंख को स्टेबल किया जा रहा है। दूसरे विक्टिम जिनके हेड में इंजरी हुई है, हेड इंजरी होने पर सबसे पहले ब्लीडिंग को बंद करके हैंडओवर करती है और एडवांस मेडिकल केयर के लिए ट्रांसपोर्ट करती है। डिजास्टर के दौरान ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करना पड़ता है। सर्च करने के लिए एनडीआरएफ के पास अनेक प्रकार के इक्विपमेंट मौजूद हैं, जैसे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। पहुंच बनाने के लिए सबसे पहले इजी एक्सेस वॉल पर 70 सेंटीमीटर मार्क किया जाता है। देखें, मार्क किए हुए स्थान पर इंस्पेक्शन होल बनाया जाता है। इंस्पेक्शन होल बन जाने के बाद विक्टिम लोकेटिंग कैमरा द्वारा सर्च किया जाता है। साइरन सुनने के बाद वर्क साइट पर सबसे पहले इजी एक्सेस वॉल साइट से मार्क की गई जगह को साहिबान ध्यान रहे क्लॉप स्ट्रक्चर के अंदर से विक्टिम को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहिए ताकि रेस्क्यूअर और विक्टिम दोनों को सुरक्षा मिल सके। साहिबान क्लॉप स्ट्रक्चर से निकाले गए अनकॉन्शियस विक्टिम को रेस्क्यूअर द्वारा साहिबान 30 कंप्रेशन और 2 रेस्क्यू ब्रीद 3 साइकिल देने के बाद रेस्क्यूअर विक्टिम का सर्कुलेशन दोबारा चेक करता है। देखें, स्टेबल किया जाता है। किसी भी लाइव विक्टिम पर सीपीआर की कार्रवाई नहीं। साहिबान पेशेंट को जल्दी से जल्दी
इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के हैंडओवर करना चाहिए। साहिबान, यदि बिल्डिंग की छत या किसी तो ऐसे स्ट्रक्चर में रोप की मदद से साहिबान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान को स्ट्रक्चर में सही तरीके से स्टेबल करना चाहिए ताकि विक्टिम को द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। देखें, साहिबान रुतम को सेफली लैंडिंग करा लेने के बाद मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम द्वारा रिसीव किया जाता है और एडवांस मेडिकल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। विक्टिम को डायरेक्ट एम्बुलेंस को हैंडओवर किया जाता है। साहिबान तेजी से कर लेने चाहिए ताकि विक्टिम की कीमती जान को बचाया। साहिबान अभी आप अपनी नजर एक बार फिर छत की तरफ ले जाएं, लैंडिंग कराते हुए नजर आएंगे। साहिबान डिजास्टर के दौरान इसी प्रकार विक्टिम्स को सेफली लैंडिंग कराया जाता है। बच्चे को सेफली लैंडिंग कराने के बाद बच्चे को मेडिकल बेस तक ले जाया जाता है। से डरा हुआ है साहिबान, डिजास्टर के समय कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से रेस्क्यू करना पड़ सकता है। मेरा नाम ASI अजय कुमार है और मैं 13 बटालियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से यहाँ पे मॉक ड्रिल कंडक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। क्या लगता है आपको ऐसी चीज़ करने से लोगों को कितना फायदा है? सर, ये जस्ट हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही है। हमारा काम है कि एक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे लगभग सभी एजेंसी एक साथ में काम करती है। जब भी कोई भारी डिजास्टर होता है तो उसमें नीड होती है कि जितनी भी एजेंसीज हैं जैसे मेडिकल हो गया, रेड क्रॉस हो गया, सभी एजेंसी मिलकर किस प्रकार से उस डिज़ास्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगी उसी का एक मतलब एक कम्बिनेशन प्रोग्राम जो होता है ये हम करवाते हैं, जिसमें सभी जितने स्टेक होल्डर्स हैं प्लस जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो किस प्रकार से डिज़ास्टर के विरुद्ध हमने कार्रवाई करनी है उस चीज़ को हम मॉक ड्रिल के थ्रू दर्शाते हैं। इसमें वॉलंटियर्स भी रखे जाते हैं बाहर से जो आम पब्लिक? जी हाँ, इसमें जैसे वॉलंटियर्स हैं आपदा मित्र, उसके बाद स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के वॉलंटियर्स हैं ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो डिज़ास्टर से जो जब भी कोई बड़ा डिज़ास्टर होता है तो सभी एजेंसीज एक साथ मिलके किस प्रकार से काम करती हैं बस उसी का एक मॉक ड्रिल हम यहाँ पे कंडक्ट किया है। मैं डिप्टी कमांड विनोद शामवल, मैं 13 NDRF से बिलोंग करता हूँ। सर, तो आज यहाँ पहुँच में जो मॉक ड्रिल की जा रही है इसके बारे में? आज हमने एक मॉक ड्रिल कंडक्ट किया। हमारा इसका मकसद था कि जब ऑन ग्राउंड पर एक्चुअली जब डिजास्टर होने पर, अर्थक्वेक होने पर जो जनता
प्लस स्टेक होल्डर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर के तुरंत कैसे कार्रवाइयाँ किया जाएंगे इसके बारे में हमने उनको ऑन ग्राउंड में दिखाया। और कल हमने एक टेबल टॉप एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया था डीसी ऑफिस में, उसमें हमने ये बताया कि जो आज का होने वाला जो कार्रवाई के बारे में उनको बताया। इसके अलावा उनको कुछ ऐसे प्रोसीजर हमने उनको कल बताया कि आप आगे सिखाने के लिए जो ऑन ग्राउंड में ये दुर्घटनाएं आने पर कार्रवाइयां कैसे तुरंत किया जा सकता है। तो क्या लगता है कोई ऐसे एनडीआरएफ के ऐसे जो मॉनिटरिंग दिखाने से लोगों को कितना बड़ा जो है? यस, ये डेफिनेटली ये तो बहुत फायदा वाला फायदा होगा, क्योंकि हमने पहले इससे पहले भी हमने बहुत जगह में कंटेक्ट किया था और जनता अवेयर हुआ उस हिसाब से जब दुर्घटनाएँ आने पर उन्हें एक्शन किया, ऐसे बहुत इंसिडेंट हमको देखने मिलता है। और इधर भी हमने देखा तो जनता का बढ़ चढ़ कर हिस्सा उन्होंने लिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना साथ हमारे साथ था कल और आज भी था, और इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और जब ऐसे कार्रवाई ऑन ग्राउंड पर होने पर ज़रूर जनता और एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत कार्रवाई करेंगे।